हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 128 क्लास। तो आज हम एक स्टोरी देखेंगे जिसका नाम है द लिटिल रेड राइडिंग हुड। अ लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ लिटिल गर्ल एंड हर मदर इन अ विलेज नियर अ फॉरेस्ट। एक टाइम की बात है जहाँ पे एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी, लिटिल गर्ल, एंड हर मदर, और उसकी माँ भी रहती थी। कहाँ पे? एक विलेज में। और वो विलेज कहाँ पे था? फॉरेस्ट के पास। द गर्ल ऑलवेज वोर अ रेड कोट विथ अ हुड। ये जो लिटिल गर्ल है वो हमेशा एक रेड कलर का कोट पहनती थी जिसपे एक हुड भी था। ये जो होता है इसको हम हुड बोलते हैं। तो ये लड़की क्या पहनती थी? एक रेड कलर का कोट। सो एवरीवन इन द विलेज कॉल्ड हर लिटिल रेड राइडिंग हुड। तो गांव में सभी उसको लिटिल रेड राइडिंग हुड के नाम से बोलते थे, बुलाते थे। वन मॉर्निंग लिटिल रेड राइडिंग हुड आस्क्ड हर मदर दैट शी वांटेड टू विजिट हर ग्रैंडमदर। एक सुबह लिटिल रेड राइडिंग हुड ने क्या पूछा अपनी मम्मी से कि मुझे अपने दादी के पास जाना है, ग्रैंडमदर के पास जाना है। हर मदर एग्रीड। उसकी मम्मी ने क्या बोला? हाँ, तुम जा सकती हो। शी पुट सम कुकीज इन अ लिटिल बास्केट एंड गेव इट टू लिटिल रेड राइडिंग हुड। उसकी मम्मी ने क्या किया? एक लिटिल बास्केट में, छोटी सी ये जो बास्केट है उसमें क्या किया? कुछ कुकीज डाले और उस बास्केट को लिटिल रेड राइडिंग हुड के पास दिया एंड सेड हियर आर सम कुकीज फॉर योर ग्रैंडमदर। और उसकी मम्मी ने इससे क्या कहा कि ये जो कुकीज है ये तुम्हारे दादी के लिए है। रिमेम्बर माई डियर डोंट स्पीक टू एनी स्ट्रेंजर्स ऑन द वे। और उसकी मम्मी ने इस लिटिल गर्ल से क्या कहा कि तुम ये याद रखना कि तुम्हें किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी। स्ट्रेंजर मतलब जिस इंसान को हम पहचानते नहीं हो। आई प्रोमिस आई वोंट मामा। और इसने क्या कहा अपने मम्मी से कि मैं प्रोमिस करती हूँ मैं बात नहीं करूंगी। रिप्लाइड लिटिल रेड राइडिंग हुड एज शी लेफ्ट। ऑन हर वे शी मेट अ बैड वुल्फ हु सेड हेलो लिटिल गर्ल Where are you going? जब ये लिटिल गर्ल अपनी दादी से मिलने जा रही थी तब उसको एक बैड वुल्फ मिला। यह है बैड वुल्फ जिसने इससे कहा कि हेलो लिटिल गर्ल वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंडमा, शी लिव्स इन अ स्मॉल हाउस बिहाइंड दैट हिल, लिटिल रेड राइडिंग हुड रिप्लाइड। ये लिटिल रेड राइडिंग हुड ने क्या कहा? आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंडमा कि मैं अपने दादी से मिलने जा रही हूँ। शी लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, वो एक स्मॉल हाउस में रहती है, छोटे से हाउस में रहती है, बिहाइंड दैट हिल, उस हिल के पीछे, लिटिल रेड राइडिंग हुड रिप्लाइड। द बैड वुल्फ सेड गुड बाय टू द गर्ल and ran as fast as he could to her grandma's house. ये bad wolf ने क्या किया? उस little girl को bye किया और ran as fast as he could. और वो बहुत तेज दौड़ा क्योंकि उसको grandma के house में जाना था. The wolf knocked down the grandmother and locked her up in a cupboard. ये जो wolf है उसने grandma को knock down किया and locked her up in a cupboard. और उनको कहाँ lock किया? cupboard में. Then he dressed up like grandmother and waited for the little girl. और फिर उसने क्या किया? उस ग्रैंडमा के जैसे कपड़े पहन लिए और ये लिटिल रेड राइडिंग हुड का वेट कर रहा था। अ लिटिल लेटर लिटिल रेड राइडिंग हुड रीच्ड हर ग्रैंडमास हाउस एंड नॉक्ड ऑन द डोर। थोड़ी देर बाद ये जो लिटिल रेड राइडिंग हुड है अपने ग्रैंडमा के घर पे पहुंच गई थी तो उसने डोर पे नॉक किया। हियरिंग द नॉक द बैड वुल्फ चेंज्ड हिज वॉइस एंड सेड इज दैट यू माई लिटिल रेड राइडिंग हुड। जब ये बैड वुल्फ ने नॉक सुना तो उसने उसकी आवाज बदली और क्या कहा? क्या तुम हो माई लिटिल रेड राइडिंग हुड? कम इन माई डियर द डोर इज ओपन। और क्या कहा उसने? तुम अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। शी एंटर्ड एंड स्टूड नियर ग्रैंडमास बेड एंड सेड ग्रैंडमा यू साउंड सो डिफरेंट। जब ये लिटिल रेड राइडिंग हुड अंदर आई तो वो ग्रैंडमा के पास गई और कहा, ग्रैंडमा तुम्हारी आवाज बहुत अलग लग रही है। आई एम इल डियर रिप्लाइड द बैड वुल्फ। और ये बैड वुल्फ ने क्या कहा? मैं थोड़ा बीमार हूँ। ओ व्हाट बिग आईज यू हैव लिटिल रेड राइडिंग हुड सेड इन सरप्राइज। इसने क्या कहा? ओ तुम्हारी आंखें कितनी बड़ी है। सो दैट आई कैन सी यू बेटर माई डियर replied the wolf. Wolf ने क्या कहा? मेरी आंखें बड़ी है क्योंकि मुझे तुम्हें ठीक से देखना है। My what big ears you have. तुम्हारे कान भी कितने बड़े हैं। Said little red riding hood. So that I can hear you better my dear. मेरे कान बड़े हैं क्योंकि मैं तुम्हें ठीक से सुन पाऊँ। Replied the wolf. Oh what big teeth you have grandma. ये क्या बोलती है bad wolf से? Oh तुम्हारे दांत भी कितने बड़े हैं grandma. Said little red riding hood. So that I can eat you better. ताकि मैं तुमको ठीक से खा पाऊँ। The wolf shouted as he jumped off the bed. ये wolf ने चिल्ला के कहा और वो बेड से उतर गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड गॉट स्केर्ड एंड शाउटेड फॉर हेल्प। जो ये लिटिल रेड राइडिंग हुड है वो डर गई और वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगी।
जस्ट देन अ वुड कटर वॉज पासिंग बाय द ग्रैंडमास हाउस, और तभी एक वुड कटर लकड़ी काटने वाला ग्रैंडमा के हाउस के पास से जा रहा था। ही हर्ड द लिटिल रेड राइडिंग हुड्स वॉइस, उसने लिटिल रेड राइडिंग हुड के वॉइस सुनी, आवाज सुनी, एंड रन इनसाइड द हाउस, और वो घर के अंदर चला गया, आ गया। ही सॉ द बैड वुल्फ एंड हिट हिम विद हिज एक्स, उसने बैड वुल्फ को देखा और उसकी जो एक्स थी, कुल्हाड़ी थी, उससे उसको मारा, हिट किया। द वुल्फ रैन इन टू द फॉरेस्ट, जो वुल्फ था वो भाग गया फॉरेस्ट में। द वुड कटर देन ओपन्ड द कबर्ड एंड गॉट द ग्रैंडमा आउट, फिर वुड कटर ने क्या किया, वो कबर्ड खोला और ग्रैंडमा को बाहर निकाला। ग्रैंडमा एंड लिटिल रेड राइडिंग हुड हग्ड एंड किस्ड ईच अदर, ये जो ग्रैंडमा है और जो लिटिल रेड राइडिंग हुड है, उन दोनों ने हग किया। दे थैंक द वुड कटर, और उन्होंने वुड कटर को थैंक यू कहा, एंड गेव हिम सम कुकीज, और उनको खाने के लिए कुछ कुकीज दिए। थैंक यू।